हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत स्टूड पर। आज का ये जो वीडियो है बीएससी फिजिक्स में सेमेस्टर वन का कोर्स हमारा चल रहा था, उसमें हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रही थी, तो उसका यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, उसी का ये अगला वीडियो है। वीडियो नंबर आपको थंबनेल पर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का, कोणीय संवेग को समझेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दो क्वेश्चनों को देखिएगा। ये दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि सिद्ध करो, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है सिद्ध करो कि कण के संवेग की समय के साथ परिवर्तन की दर इस पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको हमको सिद्ध करना है, वेरी इंपोर्टेंट। एक क्वेश्चन ये है सिद्ध करो कि घूर्णन गति करते पिंड पर बल आघूर्ण ना लगे तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 7.5 नंबर, एंड कभी कभी यही चीज इसके साथ में दो परिभाषा पूछ लेगा, तो 15 अंक का ये क्वेश्चन बनता है। 15 अंक का आए या 7.5 नंबर में आए, एकदम लल्लन टॉप हलवा सवाल है। इसको बहुत ही अच्छे से हम करेंगे और इस तरह से कर लेंगे कि पेपर तक तो कभी बोलते नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम समझते हैं कोणीय संवेग होता क्या है, ठीक है। कोणीय संवेग को ऐसे समझ लो, देखिएगा, नॉर्मल भाषा में आपने इससे पहले रेखीय संवेग आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल जो हम संवेग बोलते हैं उसको, ठीक है, संवेग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए, संवेग से ही हमको पता चल रहा है। सा 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 का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं संहति। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान से, द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, संहति। वेग का मतलब आपको पता ही है, सीधे सीधे वेग। तो ये संवेग दो शब्दों से मिलकर बना है, संग मतलब संहति, वेग मतलब वेग हो गया। तो संहति इंटू वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग। तो यदि कोई, जब कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है जो वी वेग से गतिशील है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु वी वेग से गति कर रही है, तो हम कहेंगे कि उसके द्रव्यमान एम इंटू उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। इट इज क्लियर, समझ में आ गई बात, कि यानी कि द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, गुणनफल संवेग कहलाता है, संवेग कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है। ये द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे रेखीय गति में जो काम संवेग का होता है, तो कोणीय गति में यानी कि घूर्णन गति में वही काम, सेम काम किसका होता है, कोणीय संवेग का होता है। अब ये इसको हम परिभाषा को इस तरीके से यहां पे लिखा हुआ है, ये भी लिख दिया है हमने, कहां पे लिखा है ये देखिए, ये देखो इस चीज को, इस लाइन को पढ़ो, घूर्णन गति में संवेग की भूमिका वही होती है, घूर्णन गति में संवेग की भूमिका वही होती है जो स्थानांतरीय गति में रेखीय संवेग की होती है, जो स्थानांतरीय गति में रेखीय संवेग की होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, घूर्णन गति में कोणीय संवेग की भूमिका वही होती है जो स्थानांतरीय गति में रेखीय संवेग की होती है। मतलब यह है रेखीय स्थानांतरीय गति में, नॉर्मल गति में रेखीय संवेग जो काम करता है, घूर्णन गति में वही काम कोणीय संवेग करता है। अब इसका परिभाषा को इस तरीके से पढ़ेंगे, देखिएगा, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परतः घूम रहा हो, यानी कि ये कोई अक्ष है और कोई पिंड इस तरीके से चारों तरफ ऐसे लगातार घूमे जा रहा है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परतः घूम रहा हो अर्थात घूर्णन गति कर रहा हो, तो उस पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योगफल उस पिंड का उस अक्ष के परतः कोणीय संवेग कहलाता है। देखिए यहाँ पे 2-3 बातें हैं, क्या बोला है कि उस पिंड के कणों के रेखीय संवेगों का आघूर्ण, रेखीय संवेगों का आघूर्ण, या सीधे सीधे कहिएगा
उस पिंड के रेखीय संवेग का आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब समझ लो सिंपल सी क्या होता है। यदि मैं कह रहा हूं कोई वस्तु, ये घूर्णन अक्ष है, बात को इस तरीके से मैं यहां पर समझाता हूं, देखिएगा। मान लीजिए ये कोई क्या है, एक घूर्णन अक्ष है, ये क्या है, घूर्णन अक्ष है, और ये कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, एम द्रव्यमान की वस्तु है जो कि यहां से आर दूरी पर है, और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये इसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान का घूर्णन। तो देखिएगा मैं इसकी बात करूं, इसके द्रव्यमान के घूर्णन की बात करूंगा, तो सिंपल सी बात, द्रव्यमान इंटू आर, यानी कि ये दूरी और द्रव्यमान की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं यहां से बात करूं इसके संवेग के, ठीक है, इसके नॉर्मल संवेग का घूर्णन क्या होगा, संवेग का घूर्णन क्या होगा, इसके संवेग में मैं क्या कर दूंगा, इसकी आर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, या आर में इस संवेग की मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आ गई। तो घूर्णन का मतलब क्या है, सॉरी घूर्णन नहीं, आघूर्ण, ठीक है, द्रव्यमान का आघूर्ण, द्रव्यमान का आघूर्ण या घूर्णन बात एक ही है, तो वो क्या होगा, एम इंटू आर, या हम कह देंगे आर इंटू एम। और ये संवेग का आघूर्ण, संवेग का आघूर्ण क्या हो जाएगा, संवेग का आघूर्ण हो जाएगा पी संवेग इंटू दूरी, या दूरी इंटू संवेग। बात समझ में आती है। जब भी कभी भी आघूर्ण की बात की जाए, ठीक है, द्रव्यमान का आघूर्ण, सीधी सीधी बात, द्रव्यमान का आघूर्ण हम निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो घूर्णन अक्ष से ये द्रव्यमान कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर स्थित है, क्या स्थित है, ये द्रव्यमान, तो इस तरीके से ये द्रव्यमान का आघूर्ण होगा। ठीक उसी प्रकार से संवेग का आघूर्ण क्या होगा, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, दूरी और इस वस्तु का संवेग कितना है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, संवेग का आघूर्ण कहलाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है, अच्छे से आ गई होगी, नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ओके चलिएगा, अब देखिएगा, तो यहां पे क्या बोला है, ये देखिए, किसी पिंड का किसी अक्ष के परतः, माने कोई पिंड किसी अक्ष के परतः घूम रहा है या घूर्णन गति कर रहा है, तो पिंड के, या यहां पे सीधे सीधे डालो, पिंड के कणों के रेखीय संवेगों का आघूर्ण का योग उस पिंड का क्या कहलाता है, या आप सीधे सीधे उस पिंड के इसको काट दो, उस पिंड के रेखीय संवेग के आघूर्ण योग को भी काट दो, रेखीय संवेग के आघूर्ण आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को लगा दो, यहां पर को कैसे लिखी जाएगी, को, चलो को हमें आ गए, ये हो गया। अब देखो, अब प्रयादने, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परतः घूम रहा हो या घूर्णन गति कर रहा हो, तो उस पिंड के रेखीय संवेग के आघूर्ण को उस पिंड का उच्च अक्ष के परतः कोणीय संवेग कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं, कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से, ये परिभाषा आपने याद कर ली। अब हम क्या कहेंगे, इसका सूत्र किस तरीके से बनाएंगे। माना एक कण जो घूर्णन गति कर रहा है, उसका रेखीय संवेग p है, तथा इस कण की स्थिति सदिश, यानी घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश r है, तो इस कण के कोणीय संवेग को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, कोणीय संवेग बराबर स्थिति सदिश इंटू रेखीय संवेग। तो इसको कोणीय संवेग को मैं जैसे, कोई कोई किताब एल से प्रदर्शित करती है तो घबराना नहीं है, कोई कोई किताब इसको एल से प्रदर्शित करती है तो कोई किताब इसको जे से प्रदर्शित करती है, तो जो आपका मन करे वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जे इंटू आर क्रॉस पी, इसका ध्यान से समझिएगा, ये सदिश गुणन होता है इनके बीच में, और आप जानते हो कि भैया ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया।
तो जे बराबर आर पी साइन थीटा हो जाएगा। यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा, जे बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इनटू, आप जानते हो पी बराबर रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग। तो एम इनटू वी वेक्टर लिख सकते हैं हम इसको, और एम को मैं बाहर भी ले सकता हूं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या है, कोणीय संवेग है। अब यहां पर देखिएगा, बनेगा इसका फॉर्मूला कि घूर्णन गति में कोणीय संवेग की वही भूमिका होती है जो स्थानांतरीय गति में रेखीय संवेग की होती है, या नॉर्मल भाषा में स्थानांतरीय गति में जो काम रेखीय संवेग करता है सेम वही काम घूर्णन गति में कोणीय संवेग का होता है। समझ भाई। अब इन ये जो सवाल है इनको करेंगे। सिद्ध करो कि कण के कोणीय संवेग के समय के साथ परिवर्तन की दर या कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर इस पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज हमको सिद्ध करनी है। ठीक, चलिएगा, ये करनी है। अब यहां से पहले एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां से इसको देखिएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसको कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में परिभाषा आ जाती है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या था, याद हो तो, किसी कण पर जब कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस कण का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। सेम वही चीज यहाँ पर बदल रही है, जो बल है बल आघूर्ण से बदल दिया गया बस। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यदि किसी कण पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान शून्य हो तो उस लगाइएगा यहाँ पे, उस कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, या यही कोणीय संवेग संरक्षण की प्रमेय कहलाती है। कुल मिलाकर बात यह है, यदि मैं बात कर दूं, यदि किसी कण पर, यानी किसी कण पर टॉ का मान, यानी बल आघूर्ण का मान क्या कर दूं, शून्य कर दूं, तो ये जो जे है जे का मान कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहता है, ये कहता है। ठीक है, जे का मान कांस्टेंट रहेगा यदि किसी कण पर, ये कण पर छोड़ो, ऐसे लिख दो, यदि मैं क्या कह रहा हूं, यदि यदि बल आघूर्ण का मान शून्य है तो उसका कोणीय संवेग कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा हमेशा। ठीक है, चलेगा। अब आगे की बात करते हैं हम, देखिए यही चीज हम सिद्ध करेंगे और यहीं से ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाएंगे, यहीं से हम प्रूफ करेंगे और यहीं से ये सारी चीजें हमारी प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो बबुआ, आप जानते हो कोणीय संवेग की परिभाषा से, बाई डेफिनेशन, बाई डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाई डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि जे की क्या परिभाषा थी, जे बराबर था आर वेक्टर इनटू पी वेक्टर, यही था कि नहीं था, अभी कराया था। ठीक है, चलिएगा। अब हम इसका क्या कर दे रहे हैं, अवकलन कर दे रहे हैं, अवकलन समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख दीजिएगा पूरी बात, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर बीएससी के स्टूडेंट हो आप, जे वेक्टर अपॉन, ये जे है, अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी, ये है आर वेक्टर इनटू पी वेक्टर। इसका किस तरीके से होगा आपको नहीं पता तो समझ लो, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं उनका हमको डेरिवेटिव करना है, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, इस तरीके से करते ही नहीं करते, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, कैसे करेंगे, पहला वाला फंक्शन ज्यों का त्यों, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस
अब की बार। और देखिएगा ऐसे चीजों में हम दूसरे वाले फंक्शन को पीछे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। पहले वाले का डेरिवेटिव इधर करेंगे क्रॉस, दूसरा वाला फंक्शन इधर की साइड में। देखिए जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसको हम इधर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या चल रहा था, डेल्टा जे वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिएगा डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा भैया इस पे वेक्टर लगाइएगा। अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ये देखिएगा डी क्या है, स्थिति सदिश। आर वेक्टर का क्या है यहाँ पर, आर वेक्टर आपका स्थिति सदिश होता है। क्या है, स्थिति सदिश। कहाँ पे बताया था ये स्थिति सदिश है, देखिएगा ये देखो यहाँ पे क्या बताया था, स्थिति सदिश। और यहाँ पे बताया है कि भैया इस कण का स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर, यहाँ पे बताया है, ठीक है। और स्थिति सदिश परिवर्तन की दर, यानी कि किसी की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। स्थिति परिवर्तन की दर डी आर वट्टे डी टी क्या कहलाएगा, ये कहलाता है वेग। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर इंटू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस ये वाली चीज क्या हो जाएगी बबुआ, ये हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग इंटू ये है आपका पी वेक्टर। अब आप लोग यहाँ पे फिर लिख दोगे, क्योंकि पी संवेग बराबर रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग बबुआ, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यही होता है कि नहीं होता। चलिएगा तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस ये वी वेक्टर जो कहते हैं रहेगा क्रॉस, पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान ये हो जाएगा एम वी वेक्टर। और मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट है, यहां पर एम कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, प्लस एम को मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर आ जाएगा। आप लोग चूंकि a वेक्टर की a वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो डी टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस और ये हो जाएगा टोटल जीरो, क्योंकि ये वाली चीज किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मान जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा। तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी आ जाएगा, ये चीज आ गई। और यहां से हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है, तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो चीज है इसकी जगह पर मैं ये चीज रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस, और इसकी वैल्यू है क्या, एफ वेक्टर हो जाएगी, ये चीज आ गई, ठीक है। चलिएगा अब मेरे को एक चीज और बताइए, बल आघूर्ण की परिभाषा से, बल आघूर्ण की परिभाषा से, की परिभाषा से, बल आघूर्ण की परिभाषा हमने बताई थी, टॉ बराबर क्या था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, या टॉ बराबर कुछ किताबें एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर देती हैं, वास्तव में इसको गलत ठहराया जाता है, ये सही होता है, ठीक है। तो ये तो यहां पर आपको दिखाई दे गया कि ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, टॉ की। तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टॉ वेक्टर,
क्या हो जाएगा? टॉ वेक्टर। अतः अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः ये क्या हो गया? अतः किसी किसी या अतः घूर्णन कर रही, ठीक है, अतः अतः घूर्णन घूर्णन कर रही किसी वस्तु के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। देखिए ये क्या चीज हो जाएगी? ये हो जाएगी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर हो गई। और ये क्या है? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो ये देखिए, घूर्णन कर रही किसी वस्तु के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है, बराबर होती है। यानी घूर्णन कर रही किसी वस्तु के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है। बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गई ये सारी चीजें? फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हो गया, अब देखिएगा आगे की बात करते हैं हम। तो ये यहां तक क्लियर, यहां से बात। तो ये पहला क्वेश्चन यही तो था। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमको क्या प्रूव करा रहा था? देखिए, सिद्ध करो कि किसी कण के संवेग, किसी संवेग के सापेक्ष परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और यहां पर कोणीय संवेग, यहां पर डालिएगा कोणीय, कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर इस पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, बल आघूर्ण के बराबर आ गई। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बल आघूर्ण ना कार्य करे, ठीक है, जो कि इसकी प्रमेय भी है। ठीक है, तो ये वाली जो यही चीज जो आई है यहाँ पर, डी जे अपॉन डी टी इजकल टू तो आई है। अब मैं कह रहा हूं यदि घूर्णन कर रही वस्तु पर बल आघूर्ण ना कार्य करे, ना कार्य करे, अर्थात अर्थात तो इजिकल टू जीरो हो जाए, यानी कि उस पर बल आघूर्ण ना लगे, तब तब क्या हो जाएगा? तब डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इजिकल टू जीरो हो जाएगा। अब आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि वाई बराबर आपका पांच है, यानी कॉन्स्टेंट है, तभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो होगा। मतलब कॉन्स्टेंट का अवकलनी तो जीरो होता है। तो टॉ बराबर यहां पर देखिएगा, ये आ गई डी जे अपॉन डी टी, यानी ये जे का, इस जे का अवकलनी तो किया था, तो जे का अवकलन करने पर जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जे का मान कैसा रहा होगा? जे का मान कॉन्स्टेंट रहा होगा। भाई कोई चीज कॉन्स्टेंट है, मैं यहीं पर आपसे कहूं, देखिएगा यहां पर इस तरीके से कि भैया जे, ये जे बराबर, जे वेक्टर बराबर कोई भी कॉन्स्टेंट है, और मैं इसका अवकलन कर दूं, अवकलन करूं, तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इजिकल टू कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो। तो जब भाई ये चीज दे रखी है, ये बराबर ये आ गया, तो इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, बात खत्म। तो किसी भी चीज का यदि अवकलन करने पर देखिएगा ये जे इस तरीके से, ठीक है, तो ये सभी को जे को आप सुधार लीजिएगा, मैं जे ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है, ये जितनी भी जगह पर जे लिखा हुआ है आप समझ जाइएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जे बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक। तो अतः अतः यहां पर लिख देंगे अतः अतः किसी वस्तु पर कार्यरत बल आघूर्ण
का मान शून्य हो, अर्थात घूर्णन कर रही वस्तु पर बल आघूर्ण कार्य ना करे, तो बल आघूर्ण कार्य ना करे तो वस्तु का कोणीय संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। ठीक है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। ये हो गया बात खत्म। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये इस तरीके से ये चीजें निकाली जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा एक टॉपिक आज का इम्पोर्टेंट, ये जो है आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपत्ति विपत्ति या कोई भी समस्या आपको बचती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा फ्री बैच। व्हाट्सएप बैच कंप्लीटली फ्री है, ये सारी चीजें मैं वहां पर डालता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा।